हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय, उसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी जगह जगह जाकर के शासकों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो बौद्ध दर्शन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जीवन के बारे में जो इनका नजरिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साथ साथ में जो इनके परम शिष्य हैं उनको देखेंगे, साथ में जो इनके शासकों के साथ में संबंध है या शासक जो इनके शिष्य बनते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको देखेंगे और जो इससे जुड़े हुए दार्शनिक हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो इनके अलग-अलग संप्रदाय बनते हैं, यानी बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय बनते हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे, और अंत में हम लोग जो इसकी अन्य कोई विशेषता बचती है, अन्य विशेषताएं, जैसे मान लीजिए कि जो बौद्ध संगीतियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे, और अंत में जो इसका है उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हम बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, और एक विस्तृत चर्चा के बाद में हम इन बिंदुओं को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हमने शुरुआत में देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है कि जो मध्य गंगा की घाटी है या फिर मगध के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग संप्रदायों का उद्भव होता है, और फिर उसके पीछे जो कारण है उनको हमने समझने का प्रयास किया था। इन कारणों के अंतर्गत हमने देखा था कि इस समय क्या है कि एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय हो रहा है, ठीक है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमने वैदिक काल पढ़ा था, तो वैदिक काल में क्या है कि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो जीवन है वो क्या है, पशुचारण वाला जीवन है। लोग पशु पालन करते हैं और एक तरीके से उनका जीवन है जो घुमक्कड़ टाइप का है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जीवन में थोड़ा स्थायित्व आता है, और लोहे की जानकारी होने के कारण
जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कृषि कार्य होने लगता है। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की अगर हम चर्चा करें तो इस समय क्या होता है कि हमें कृषि कार्यों का विस्तार दिखाई देता है, कृषि कार्यों का विस्तार दिखाई देता है। और इससे क्या हो रहा है कि कृषि अधिशेष की प्राप्ति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कृषि अधिशेष की प्राप्ति, ठीक है। और इसी समय हमें एक और चीज दिखाई दे रही है, शासक वर्ग का उदय, शासक वर्ग का उदय, यानी अब क्या हो गया, कृषि व्यवस्थित रूप से होने लग जाती है और अधिशेष की प्राप्ति हो रही है। तो इससे क्या होगा कि टैक्स जो सिस्टम है उससे, मतलब एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम होने से क्या है कि राजाओं को कर व्यवस्थित मिलने लग जाएगा या टाइम से मिलने लग जाएगा, अच्छी तरह मिलने लग जाएगा। उससे क्या होगा कि ये अपनी एक सेना रखने लग जाएंगे, अपनी मंत्रिपरिषद रखने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, कृषि का विस्तार हो रहा है, कृषि अधिशेष हो रहा है, साथ साथ में शासक वर्ग की उत्पत्ति हो रही है। और इसी समय क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, यानी नए नगरों का उदय हो रहा है। हमें यहां पर सिक्कों का प्रचलन दिखाई देता है, सिक्कों का प्रचलन दिखाई दे रहा है, जिन्हें यहां पर पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो ये सिक्के इस समय प्रचलित हो जाते हैं। साथ साथ में इस समय क्या है, व्यापार वाणिज्य का विस्तार दिखाई देता है, या व्यापार वाणिज्य है वो फलीभूत होने लग जाता है। जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो भी मजबूत दिखाई देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें व्यापार के संकेत दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो छठी शताब्दी के आसपास में जो जीवन है उसमें, या जीवन की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। और जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर हमारे को जो सामाजिक दशा है उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जो वैदिक कालीन समाज है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, हमें उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। और उससे क्या है कि कहीं ना कहीं पशुओं की हानि हो रही है और जो कृषि कार्य हम यहाँ पर देख रहे हैं उनकी हानि होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि सामाजिक रूप में भी जो पुरानी परंपरा है या पुरानी व्यवस्था है उसके प्रति रोष दिखाई देता है, ठीक है। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और जो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में, इसमें ज़्यादा फायदा मिल रहा है ब्राह्मण वर्ग को और क्षत्रिय वर्ग को। नीचे के जो दो वर्ण हैं वैश्य और शूद्र, उनको सामाजिक रूप से जो उनको स्थान मिलना चाहिए वो इस समय नहीं मिल रहा है। खास करके जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग अब क्या है, नगरीकरण के दौर के अंदर उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है, तो उनके पास में धन का आगमन हो रहा है और वो भी समाज में अब क्या है अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं या कहीं ना कहीं उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी अगर शूद्रों की बात करें तो शूद्रों के साथ में तो पहले से ही अन्याय हो रहा था, उनको समाज में निम्न श्रेणी का समझा जाता था। जो ऊपर के तीन वर्ण हैं उनकी मतलब सेवा का कार्य उनके पास में होता था। अब व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है या फिर कृषि कार्यों के विस्तार से और व्यापार वाणिज्य बढ़ने से क्या होता है कि शूद्रों के हाथ में भी अब कुछ अच्छी चीज़ें आने लग जाती हैं या उनके पास भी अब दूसरे विकल्प आने लग जाते हैं। तो वो भी क्या है, समाज में अपना स्थान मतलब उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए या समाज में उनकी दशा सुधारने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में होता क्या है,
की छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में कई धार्मिक या बौद्धिक आंदोलन आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, उसको अलग अलग भागों में हमने समझने का प्रयास किया, और अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में, जो महात्मा बुद्ध ने इसका जो इसके संस्थापक थे, तो इनके बारे में अब अलग अलग बिंदुओं के आधार पर बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखा जिन परिस्थितियों में या जिन कारणों के पीछे इन धर्मों का उदय होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म और इसका हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म इसके अंदर अंतर्गत नंबर एक बिंदु लेते हैं महात्मा बुद्ध और उनका जीवन परिचय, ठीक है। अगर महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अगर बात करें, तो इनका जन्म के बात में बारे में बात करें, तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान की बात करें, तो जन्म स्थान है इनका लुम्बिनी, जन्म स्थान है लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी है, ये है कपिल वस्तु के पास में, कपिल वस्तु। नेपाल की तराई में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लुम्बिनी नामक जगह के ऊपर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और अगर इनके बचपन के नाम के बारे में जाना जाए, बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, सॉरी गौतम, इनके बचपन का नाम है गौतम, ठीक है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम है शुद्धोदन, जो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम है शुद्धोदन और ये कपिल वस्तु में शाक्य कुल के प्रधान थे, ठीक है। अब अगर माता, जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी माता के बारे में जाना जाए, तो इनकी माता का नाम था महामाया, माया देवी या महामाया, ठीक है, इनकी माता का नाम है। और पत्नी का नाम था यशोदरा, पत्नी का नाम है यशोदरा, ठीक है, पत्नी का नाम है यशोदरा। और इनकी मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए, तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु होती है, और ये मृत्यु होती है इनकी कुशीनगर में, मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनको समझने का प्रयास किया।
दोबारा से देखते हैं, हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने देखा महात्मा बुद्ध के बारे में या उनके जीवन परिचय के बारे में। जन्म की बात करें तो जन्म इनका होता है 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान है लुम्बिनी और ये कपिलवस्तु के अंदर है, नेपाल की तराई में। बचपन का नाम था गौतम, पिता का नाम है शुद्धोदन, माता का नाम है महामाया या माया देवी। और ये जो माता है इनकी, इनके जन्म के सातवें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है। तो ये था इनके जीवन से जुड़ी हुई या इनका जीवन परिचय, ठीक है। अब होता क्या है कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कोणिड्डे, ये ब्राह्मण है, इन्होंने क्या है, इन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी, ठीक है। ये ब्राह्मण है कौंडिन्य नाम के, ये इनके जीवन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि या तो ये बालक है जो महान शासक बनेगा, सम्राट बनेगा, या फिर ये क्या है, सन्यासी। और सन्यासी भी कैसा होगा, एक बड़ा सन्यासी जो लोगों के जीवन में बड़े स्तर के ऊपर परिवर्तन लाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, ये क्या है, बचपन से ही चिंतनशील प्रकृति के हैं। और जंबू वृक्ष के नीचे, ध्यान मग्न बैठे रहते थे, ठीक है। चिंतनशील प्रकृति के हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके ज्यादातर समय ये चिंतन किया करते थे, जीवन के यथार्थ की खोज करने का प्रयास करते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से होता है। ये जो यशोधरा हैं, इनके अलग नाम भी मिलते हैं, जैसे कई जगह गोपा है, बिंबा है, इस तरह इनके अलग नाम भी देखने को मिलता है, गोपा, बिंबा, भद्र, कच्छा, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो यशोधरा हैं, इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम है राहुल, ठीक है। यशोधरा से इनको राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि चिंतनशील प्रकृति के व्यक्ति थे तो इनके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे ये जो इनका राजकुमार वाला जीवन था उसको छोड़ करके सन्यास की ओर चले जाते हैं। तो चार दृश्य इनके जीवन में क्या है, चार दृश्य महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। चार दृश्य, ये चार दृश्यों की अगर बात करें तो ये हैं, एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखना, वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा है
बीमार व्यक्ति को देखना, तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना, और अंतिम है चौथा जो दृश्य इनके सामने आता है वो है एक बौद्ध सन्यासी, एक जो सन्यासी सॉरी बौद्ध नहीं है, एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में है उसको देखते हैं। तो चौथा दृश्य है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। तो इन दृश्यों से क्या होता है कि इनके जीवन में परिवर्तन आता है। अब दृश्यों के बारे में अगर बात करें तो वृद्ध व्यक्ति को देखेगा तो क्या होगा, हमें दुख होता है या फिर जीवन है वो दुख में लगने लग जाता है। बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो भी ये स्थिति पैदा होती है दुख वाली, मृत व्यक्ति को देखते हैं तो भी हम दुखी होते हैं, और अंतिम जो दृश्य है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमें कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होती है, ठीक है। और ये जो सन्यासी वाली मुद्रा है यही क्या है बुद्ध को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि इस प्रसन्न मुद्रा वाले सन्यासी को देख करके इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं, सन्यास की ओर निकल जाते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को नाम दिया गया है महाभी निष्क्रमण, यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें जो इनके गृह त्याग वाली घटना है उसको नाम दिया गया है महाभी निष्क्रमण, ठीक है। इसको कई बार एग्जाम में पूछते हैं या तो कूट वाला जो प्रश्न होता है उसमें मिलाने के लिए दे देते हैं, और या फिर सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है महाभी निष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग की घटना में दो चीजें और जुड़ी हुई हैं, एक तो इनका जो सारथी है, साथी का नाम है चांड, और दूसरा है घोड़ा, और घोड़े का नाम है कंथक, यानी सारथी चांड और घोड़ा कंथक, ये घोड़ा है कंथक, इनका नाम भी इसके साथ में जुड़ता है क्योंकि इन्होंने क्या है जब ये राजकुमार थे और सन्यास की ओर जा रहे हैं तो सारथी चांड घोड़ा जो कंथक घोड़ा है उस रथ में बिठा करके इनको घर से कुछ दूर छोड़ते हैं, ठीक है। तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो बुद्ध हैं उनके घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम है कंथक, या सारथी का नाम क्या है, तो सारथी का नाम है चांड, ठीक है। अब यहां से निकलने के बाद, राजमहलों से निकलने के बाद बुद्ध हैं वो दूर चले जाते हैं और कुछ समय के लिए एक आम्र उद्यान है, आम्र उद्यान अनुपीय नाम से, वहां पर रुकते हैं, या फिर जो चिंतन है जो इनकी प्रकृति है या यथार्थ के बारे में ये जो चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में ये सोचने लग जाते हैं। फिर यहां से ये जो आम्र उद्यान है यहां से ये क्या करते हैं कि मगध की राजधानी राजगृह यहां पर जाते हैं, ठीक है। और इस समय यहां के शासक थे बिंबिसार, ठीक है। घर से निकलते हैं कुछ समय, एक आम्र उद्यान है वहां पर रुकते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं बुद्ध, जो मगध की राजधानी है राजगृह वहां जाते हैं, और उस समय वहां के शासक थे बिंबिसार।
वहां पर कुछ मुलाकात करते होंगे और इसके बाद में वो क्या करते हैं, वैशाली जाते हैं, ठीक है। और वैशाली में क्या होता है कि एक व्यक्ति है आलार कलाम, आलार कलाम से क्या है बुद्ध की मुलाकात होती है, आलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात होती है, ठीक है। राजगृह के बाद में वैशाली जाते हैं और वैशाली में इनकी मुलाकात हो रही है आलार कलाम की। ये जो आलार कलाम है ये क्या है, सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं, सांख्य दर्शन के विद्वान हैं जिनसे बुद्ध की मुलाकात हो रही है और वो कहां पर हो रही है, वैशाली के अंदर, ठीक है। फिर राजगृह के आसपास फिर ये जाते हैं और इनकी जो दोबारा मुलाकात होती है राजगृह के अंदर वो है रुद्रक रामपुत्र। ये दोबारा राजगृह में जाते हैं और वहां पर रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, पहले मुलाकात हो रही है आलार कलाम से जो सांख्य दर्शन के विद्वान हैं, उसके बाद में रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से इनकी दोबारा मुलाकात हो रही है और वो जगह है कहां पर, राजगृह, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, यहां से बोध गया जाते हैं और बोध गया में एक नदी है निरंजना नदी। इस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति की तलाश करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की तलाश करते हैं। और यहां पर बोध गया में क्या है, इनके साथ में 5 अन्य सन्यासी भी होते हैं, ठीक है। बोध गया जाते हैं और बोध गया के अंदर निरंजना नदी के तट के ऊपर ये ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं और उरुवेला नाम जगह है ये बोध गया में, उरुवेला, यहां जाते हैं और वहां पर इनके साथ में 5 सन्यासी और हैं जो ज्ञान की तलाश में हैं। लेकिन होता क्या है कि उरुवेला के अंतर्गत एक सेनानी नामक व्यक्ति हैं, उनकी पुत्री है सुजाता, और सुजाता क्या है कि कोई भोजन सामग्री लागती है और वो भोजन सामग्री बुद्ध ग्रहण कर लेते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो 5 सन्यासी हैं, ये 5 सन्यासी बुद्ध का साथ छोड़ करके ऋषिपत्नम चले जाते हैं या सारनाथ चले जाते हैं। होता क्या है कि उरुवेला में सुजाता नामक कन्या के हाथों भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण पांचों सन्यासी बुद्ध का साथ छोड़कर ऋषिपत्नम या फिर सारनाथ चले गए, ठीक है। यहां से बोध गया से या उरुवेला से बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं और ये लोग क्या, कहां चले जाते हैं,
सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बुद्ध उरुविला से, यहां से उरुविला से अब बुद्ध कहां जाएंगे, गया। ठीक है, गया पहुंचे और गया पहुंचने के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और ध्यान मग्न हो गए। और फिर क्या होता है, इन्हें आठवें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, गया के पास में ये बोधि वृक्ष के नीचे, वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो जाते हैं और इन्हें आठवें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसको नाम दिया गया बोधि। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है इसको नाम दिया जाता है बोधि। और ये जो दिन है ये है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, और इसके बाद जो गौतम है वो अब क्या कहलाने लग जाएंगे, बुद्ध। ठीक है, अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाएंगे, बुद्ध कहलाने लग जाएंगे। और ये जो दिन है वो कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा का दिन। तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो वो है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको कई नाम दिए गए, जैसे तथागत, एक नाम तो इनको तथागत दिया जाता है। और तथागत से यहां पर तात्पर्य है कि सत्य है जिसका ज्ञान, सत्य है जिसका ज्ञान। ठीक है, तथागत नाम दिया जाता है और इसका मतलब है सत्य है जिसका ज्ञान। और एक और है इनको नाम दिया जाता है, वो है शाक्य मुनि। ठीक है, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया के अंदर, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया यहां पर, और बोध गया के अंदर क्या है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या होता है कि दो व्यक्तियों को, या वो बंजारा जाति के थे तो दो बंजारों को, और उनके नाम है तपस्तु और मलिक, तपस्तु और मलिक। ठीक है, बोध गया के अंदर इनकी मुलाकात दो बंजारों से होती है, नाम है उनके तपस्तु और मलिक। उनको क्या है, ये अपना सेवक बना लेते हैं और जो बोध धर्म है उसके बारे में शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी जो ज्ञान प्राप्ति है उसके बारे में जो घटनाक्रम है वो है। अब क्या होता है कि इनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब ये क्या करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो प्रचार प्रसार के अंतर्गत अगर बात करें तो बुद्ध क्या करेंगे, सबसे पहले सारनाथ जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। बुद्ध सारनाथ पहुंचे जहां पहले से ही 5 सन्यासी मौजूद थे, 5 सन्यासी मौजूद थे। ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
और ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या करते हैं, ये सारनाथ जाते हैं, और सारनाथ पहुंचने के बाद में क्या है कि जो बोध गया में इनसे पहले जो पांच सन्यासियों की मुलाकात हुई थी, वही सन्यासी क्या है वहां पर इन्हें मौजूद मिलते हैं, और इन्हीं सन्यासियों को, ये जो सन्यासी हैं पांच सन्यासी, इन सन्यासियों को क्या है धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, ठीक है। और इस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। जो घर से निकलने की क्रिया है उसको हमने देखा, वो है महाभिनिष्क्रमण, और यहां पर जो ये धर्म का प्रथम उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में, इसको नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहां से हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक तो ये है कि बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां पर दे रहे हैं, तो वो जगह है सारनाथ, और जो उपदेश देने की घटना है उसको नाम क्या दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। आगे क्या होता है कि यहां से सारनाथ से बुद्ध क्या करते हैं, वाराणसी जाते हैं, ठीक है। और वाराणसी के अंतर्गत क्या होता है कि एक यश नामक व्यापारी इनसे मिलता है, यश नामक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है, और फिर यश क्या करता है अपने पूरे परिवार और लगभग 50 मित्रों के साथ में बुद्ध का शिष्य बन जाता है, शिष्य बन जाता है, ठीक है। ये यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार लगभग 50 मित्रों के सहयोग से या मित्रों के साथ में बुद्ध का शिष्य बन जाता है, और आगे क्या होता है कि जो यश है, यश नामक व्यापारी है, इसकी पत्नी बुद्ध की उपासिका बन जाती है, ठीक है। तो इसको क्या है बौद्ध धर्म में प्रथम उपासिका कहा गया है, जो ग्रस्त में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करती है उस स्त्री को क्या कहा गया, उपासिका। तो यहां पर जो यश नामक व्यापारी है इसकी पत्नी क्या करती है, बौद्ध धर्म की पहली उपासिका बनती है, या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए बुद्ध की शिष्या बन जाती है, ठीक है। अब बनारस में है, और बनारस के बाद में क्या है, ये दोबारा से राजगृह जाते हैं, ठीक है। और राजगृह में जाकर के क्या है, जो शासक है बिंबिसार, बिंबिसार से मुलाकात करते हैं, बिंबिसार से मुलाकात, ठीक है, बिंबिसार से मुलाकात करते हैं। और बिंबिसार क्या है, इनको वेणुवन विहार दान में देता है, ठीक है, वेणुवन विहार नामक जगह इनको दान में देता है, जहां ये लोग अपना संग या जो इनकी धर्म से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो कर सकें और धर्म को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो बिंबिसार इनको वेणुवन विहार दान में देता है। आगे क्या है, राजगृह में इनकी और भी अन्य लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है। राजगृह की अगर बात करें तो यहां पर इनकी मुलाकात सारिपुत्र इनसे होती है, मोदगलायन इनसे होती है मुलाकात, उपाली और अभय यहीं पर क्या है, उपाली व अभय इनके शिष्य बने, इनके शिष्य बने, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई है, प्राप्ति के बाद में बुद्ध क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं सारनाथ, और वहां पर क्या है, पहले से ही मौजूद जो उसके पुराने मित्र थे सन्यासी वो वहां पर मौजूद हैं, बुद्ध इन्हीं को प्रथम उपदेश देते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है,
धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर यहाँ से ये वाराणसी जाते हैं और वाराणसी में यश नामक व्यापारी इनके शिष्य बनते हैं, इनके परिवार के अन्य सदस्य भी शिष्य बनते हैं, कुछ मित्र भी बनते हैं, और इनकी जो पत्नी है वो इनकी प्रथम शिष्या बनती है या उपासिका बनती है। ठीक है, वाराणसी के बाद में ये क्या करते हैं, राजगृह जाते हैं। राजगृह में इनकी मुलाकात होती है बिंबिसार से, और बिंबिसार से मुलाकात के बाद में बिंबिसार इनको क्या करते हैं, वेणुवन विहार है वो दान में देते हैं। और यहीं पर सारिपुत्र, मोदग्लायन, उपाली और अभय नामक अन्य व्यक्ति भी बुद्ध के शिष्य बनते हैं। ठीक है, और यहां से राजगृह से अब ये क्या करेंगे कि लुम्बिनी जाएंगे। राजगृह से ये क्या करते हैं, लुम्बिनी पहुंचे। ठीक है, लुम्बिनी जो इनका घर है वहां पर जाते हैं और परिवार के लोगों को शिक्षा दी। ठीक है, जो परिवार के सदस्य हैं उनको बौद्ध धर्म है उसके बारे में शिक्षा देते हैं या उपदेश देते हैं। ठीक है, तो राजगृह के बाद में ये लुम्बिनी जा रहे हैं, परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं। फिर यहां से ये क्या करते हैं, दोबारा से राजगृह चले जाते हैं। फिर यहां से राजगृह आते हैं और यहीं पर क्या होता है, श्रावस्ती का एक व्यापारी इनसे मुलाकात करता है, और जो व्यापारी है उसका नाम है सुदात नामक व्यापारी, या इसको अनाथ पिंडक भी बोला गया है। अनाथ पिंडक नामक व्यापारी श्रावस्ती में इनसे मुलाकात करता है, और ये बाद में क्या करता है कि पहले तो बुद्ध का शिष्य बनता है, और शिष्य बनने के बाद में जेतवन विहार, श्रावस्ती में जेतवन विहार बुद्ध को या बौद्ध धर्म के लिए दान में देता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि ये राजगृह में जाते हैं तो वहां पर बिंबिसार इनको क्या करता है, वेणुवन विहार देता है, और यहां पर क्या हो रहा है कि जो श्रावस्ती का व्यापारी है सुदात या अनाथ पिंडक, ये इनको जैतवन विहार, और ये जैतवन विहार है ये कहां पर है, श्रावस्ती में स्थित। ये राजगृह में इनसे मुलाकात करता है और फिर शिष्य बनकर के क्या है, श्रावस्ती में इनको जैतवन विहार उपार के अंदर दे देता है। श्रावस्ती में ही क्या होता है कि जो अनाथ पिंडक इनकी पुत्री विशाखा ये भी शिष्य बन जाती। ठीक है, तो पहले तो अनाथ पिंडक शिष्य बनता है, जैतवन विहार देता है, और उसके बाद में जो इनकी पुत्री है विशाखा ये भी इनकी शिष्या बन जाती है, और बाद में ये क्या करती है विशाखा, इसने पुआराम विहार दान में दिया। ठीक है, जो अनाथ पिंडक की पुत्री है उसने क्या है, पुआराम विहार है जो बौद्ध संघ को दान में दिया। इसके बाद में क्या होता है कि जो कौशल नरेश प्रसेनजीत
बुद्ध के शिष्य बनते हैं, बुद्ध के शिष्य बनते हैं। इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक तो क्या है कि ये बुद्ध के समकालीन हैं, बुद्ध की जो आयु है उसी की आयु के ये हैं, तो कई बार पूछ लेता है कि प्रसेनजीत कौन थे या बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे। तो बुद्ध के समकालीन शासकों में प्रसेनजीत भी आते हैं, जो क्या है कौशल के राजा हैं। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है उस 8वें वर्ष प्राप्ति के 8वें वर्ष क्या होता है कि जो लिच्छवी हैं, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी बुद्ध को निमंत्रण देते हैं, बुद्ध को वैशाली आने का निमंत्रण देते हैं, और उनके आदर के अंदर जब वो वैशाली आते हैं तो उसके उनके आदर के लिए क्या करते हैं कि कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। ठीक है, कुटाग्रशाला नामक विहार वो क्या है आदर के स्वरूप की जो लिच्छवी है, वैशाली के लिच्छवी है, ये बुद्ध को दान में दे रहे हैं। ठीक है, और वैशाली में क्या होता है कि जो बुद्ध के शिष्य हैं, बुद्ध के शिष्य हैं आनंद, इनके कहने पर वैशाली में ही क्या करते हैं कि महिलाओं को बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत करते हैं एक तरीके से, या अनुमति देते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। और यहाँ पर बुद्ध और आनंद के बीच में एक संवाद भी होता है, इसमें बुद्ध आनंद से कहते हैं कि बुद्ध आनंद, अगर महिलाओं को संघ से जोड़ा जाएगा या धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो जो 1000 वर्ष हमारा धर्म चलने वाला था वो अब 500 वर्षों तक ही चलेगा। यानी उनको ऐसा आभास हो जाता है कि महिलाओं के संघ में जुड़ने के कारण जो सन्यासी हैं या बौद्ध भिक्षु हैं उनका अनुशासन भंग हो जाएगा, या फिर जो विहार हैं उनकी जो जीवनचर्या है वो प्रभावित होगी, और उससे क्या है जो धर्म है या फिर बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे और जो धर्म की आयु है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है वैशाली में ही संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कौशल नरेश हैं वो बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, प्रसेनजीत ये बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। फिर 8वें वर्ष में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वैशाली के जो लिच्छवी हैं वो बुद्ध को निमंत्रण देते हैं वैशाली आने का, और उनके आदर में कुटाग्रशाला नामक विहार उनको दान में देते हैं। और यहीं पर वैशाली में होता क्या है कि परम शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल करने की छूट दी जाती है या अनुमति दी गई बुद्ध के द्वारा। तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शिक्षा ग्रहण करने की या संघ में आने की जो अनुमति दी थी वो कहाँ पर दी थी, तो वो है वैशाली। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, बुद्ध की
पत्नी यशोदरा ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्ध की पत्नी भी क्या करती है, बौद्ध धर्म ग्रहण करती है। और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, या इसको हम गणिका भी कह सकते हैं, आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका या नगर वधु है, वो भी क्या है, बुद्ध की शिष्या बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कौसाम्बी के शासक हैं, कौसाम्बी के शासक उदयन, कौसाम्बी के शासक हैं उदयन, ये बौद्ध भिक्षु हैं पिंडोला ऋषि, बौद्ध भिक्षु पिंडोला, इनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और घोषिता राम ये क्या करते हैं, उदयन घोषिता राम विहार दान में देते हैं, दान में देते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी शिष्या बन जाती है। दूसरी तरफ क्या है कि कौसाम्बी का जो शासक है उदयन, ये भी पिंडोला ऋषि के प्रभाव में आकर के शिष्य बन जाता है। और उदयन क्या करता है, बौद्ध धर्म को घोषिता राम नामक विहार दान में देता है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, 20वें वर्ष बुद्ध हैं वो जाते हैं श्रावस्ती। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में बुद्ध क्या है, श्रावस्ती पूछे। और यहां पर क्या है कि एक अंगुलीमाल नामक डाकू था, उसको अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, 20वें वर्ष में श्रावस्ती पहुंचते हैं, और श्रावस्ती में एक अंगुलीमाल नाम के प्रसिद्ध डाकू थे, उनको क्या है अपना शिष्य बनाते हैं। और ये जो श्रावस्ती है, यहीं पर सबसे ज्यादा बुद्ध उपदेश देते हैं, या ऐसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा समय तक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो कहां पर होता है, श्रावस्ती के अंदर। और सबसे अधिक जो शिष्य हैं वो भी कौशल राज्य में ही होते हैं, और यहीं पर बुद्ध क्या है अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और जीवन के अंतिम वर्षों में क्या होता है, जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध क्या करते हैं कि एक चुंद नामक लोहार है उसके घर पहुंचते हैं, चुंद नामक लोहार या सुनार के घर पहुंचे। और यहां शुकर माधव नामक भोजन करने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ठीक है, चुंद नामक लोहार के घर पहुंचते हैं,
और शुक्र मादव नामक भोज्य सामग्री ग्रहण करने से इनको क्या है, अतिसार नामक बीमारी हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, ये अभी तो है पावा के अंदर, और फिर यहां से क्या है, ये कुशीनगर चले जाएंगे। ठीक है, अभी सुंद नामक लोहार है इस पावा में, तो अभी रुके हुए हैं ये पावा में, और वहां से ये क्या करेंगे कि कुशीनगर चले जाएंगे। और यहीं पर कुशीनगर में क्या है, सुबद्ध नाम के व्यक्ति को, सुबद्ध नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक है, और इस अंतिम उपदेश के अंतर्गत बुद्ध कहते हैं कि सभी सांगातित या जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये विनाशशील हैं या इनका विनाश होना है, और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास या अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। कहने का मतलब यह है कि वो यहां पर कुशीनगर में रुकते हैं, यहीं पर क्या है इनका निर्वाण होता है या इनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है, और इसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। और जो अंतिम उपदेश देते हैं उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि सभी सांसारिक वस्तुएं हैं ये विनाशशील हैं, और अपनी मृत्यु का अपनी मुक्ति का उत्साहपूर्वक प्रयास करो। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका प्रसार प्रसार का यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये जो जगह जगह जाकर के ज्ञान का प्रसार करते हैं या बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं, उसको हमने बारी बारी से जहाँ जहाँ ये रुकते हैं, जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन विहारों को इनको दान में दिया था, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और अंत में क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद में होता ये है कि इनके जो शरीर का अवशेष है, शरीर का अवशेष है, उसको 8 भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में बांटा जाता है। और जिन शासकों के यहां या जिन जिन राज्यों में ये अवशेष जाते हैं उनकी अगर बात करें तो मगध नरेश अजातशत्रु नंबर 1 हैं, कपिलवस्तु के साक्षे इनके पास में जाता है वो अवशेष, वैशाली के लिच्छवी, और वेद द्वीप के ब्राह्मण, आलकप के बुली, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य और रामग्राम के कोलिये, इन सबके पास में क्या है, बुद्ध के अवशेषों को बांटा जाता है या 8 जगह बुद्ध के अवशेषों को बांटा जाता है, और फिर उनके ऊपर स्तूप बना करके उनको आगे धार्मिक क्रियाओं के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा बुद्ध के जीवन के परिचय के बारे में, उनकी ज्ञान प्राप्ति का जो घटनाक्रम है उसको समझा, और फिर ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में हमने देखा। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे बुद्ध या बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।